हेलो ये एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय लेकर आज हम सब आपके बीच में आए हैं। गुजरात का चुनाव स्पष्ट तौर से 6.5 करोड़ गुजरातियों बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। एक हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी 6.5 करोड़ गुजरातियों के गुस्से और उत्तेजना से हताश हुई भारतीय जनता पार्टी शायद पाताल से भी निम्न स्तर की साजिश और षड्यंत्र पर अब उतर आई है। कल ही उनके मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब ने सार्वजनिक तौर से जारी हुए एक ऑडियो में ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है और पहली बार शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बैकफुट पर बैटिंग नजर करते नजर आए, डिफेंसिव नजर आए और शायद कई बार हिट विकेट भी हुए। परंतु राजनीति में शुचिता, राजनीति में एक दूसरे के लिए आदर का भाव वैचारिक मतभेद के चलते भी करना हमारी भारतीय संस्कृति और गुजरात की संस्कृति गांधी की शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने आज एक ऐसी षड्यंत्र भरी साजिश और अनावश्यक बात की व्याख्या की जो अपने आप में प्रजातंत्र और गुजरात प्रदेश की अस्मिता के लिए अशोभनीय है। श्री राहुल गांधी अगर दर्शन करने के लिए 18 किलोमीटर चल उत्तराखंड में मंदिर के पाट खुलने से पहले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को एतराज है। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी अगर द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेने जाए तो भी शायद भारतीय जनता पार्टी को एतराज है। और जैसा उन्होंने स्वयं गुजरात की धरती पर कहा, शिव भक्त भगवान शिव के अनन्य भक्त श्री राहुल गांधी अगर सोमनाथ जी के दर्शन करने जाए तो उस पर भी भाजपा को एतराज है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, तिलमिलाई है और घबराई है और अब फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र और साजिश पर उतर आई है। आज कुछ अज्ञात सूत्रों के हवाले से उन्होंने श्री राहुल गांधी जी के भगवान सोमनाथ जी के दर्शन को लेकर एक अनावश्यक और झूठा विवाद उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया। श्री राहुल गांधी आज सोमनाथ जी के दर्शन करने गए ताकि वो अगले चरण पर जब यात्रा पर निकलें तो सोमनाथ जी का आशीर्वाद उनके साथ हो। उनके साथ पार्टी के महासचिव श्री अशोक गहलोत, गुजरात प्रदेश के कई नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सोलंकी, श्री अहमद पटेल, श्री अर्जुन भाई मोड़वाड़िया, श्री सिद्धार्थ पटेल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री राजीव सातव और अन्य नेता भी सोमनाथ जी के दर्शन करने गए। और राहुल जी ने दर्शन करने के बाद वहां की विजिटर्स बुक जो है, जो मंदिर समिति द्वारा उन्हें दी गई उसमें अपनी लिखाई से लिखा, राहुल गांधी 12 तुगलक लेन नई दिल्ली
ए वेरी इंस्पायरिंग प्लेस, यानी यहाँ एक दैवीय शक्ति की अनुभूति हुई। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं और इसकी जो कलर्ड कॉपी है वो भी आपकी ईमेल और व्हाट्सएप पर हम भेज रहे हैं। उन्होंने दर्शन किए और अपने कलम से जो विजिटर रजिस्टर उनको दिया गया जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उन्होंने ये चार शब्द विजिटर रजिस्टर में, यानी आगंतुकों का जो रजिस्टर है, उसमें लिखे। इसके बाद कुछ मीडिया के साथियों का अनावश्यक इस्तेमाल कर एक और फर्जीवाड़े के रजिस्टर की एंट्रियां सार्वजनिक की गई। भारतीय जनता पार्टी इतनी कायर है कि सामने आकर भी बात कहने से घबरा रही है। और ये वो रजिस्टर है जो कई चैनल्स और मीडिया के साथियों के द्वारा ट्वीट किया गया। ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है, ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया। इस रजिस्टर के दाएं हाथ पर एक दस्तखत है जिन साथी का नाम है मनोज त्यागी, जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है। केवल अगर आप इसके बिल्कुल दाएं हाथ को देखें और मेरा जो बायां है, तो आप ये पाएंगे कि ये दस्तखत उन साथी के हैं और ये इसलिए कहकर करवाए गए कि मीडिया के साथियों को राहुल जी के दर्शन की एंट्री मिल जाए, तो आप वेरीफाई कर दीजिए। उन्होंने कर दिया। उस समय ये सारा रजिस्टर खाली था और उसके बाद ये सारे नाम अपने आप किसी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों द्वारा लिख लिए गए। क्या कोई, इसलिए जो राहुल जी ने एंट्री की वो ये है, उनके दस्तखत सार्वजनिक हैं, वेबसाइट पर जाइए चेक कर लीजिए। और एक फर्जीवाड़ा जिसमें स्वयं को लिखा हुआ है राहुल गांधी जी, फर्जीवाड़ा भी करते तो कम से कम ठीक से तो कर लेते। वो कहते हैं नकल मारनी ही थी तो नकल तो अकल से मार लेते। इस तरह के घटिया सस्ती ओछी साजिश पर अब भारतीय हारी हुई भारतीय जनता पार्टी उतर आई। और तीसरी बात, एक मित्र ने कहा कि क्या माननीय राहुल गांधी जी किसी धर्म विशेष को मानते हैं? स्वाभाविक तौर से आप भी पूछिए, पूछना चाहिए, देश के लोगों को जानना चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं। और आदरणीय साथियों, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। और जो सार्वजनिक पटल पर है, मैं कहीं से नहीं लाया, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, चाहे वो उनके नामांकन के समय हो, चाहे उनकी बहन की शादी के समय हो, और चाहे सबसे बड़ा कार्य दुख से चाहे व्यक्ति को करना पड़े, पिता की अस्थियां चुगने का होता है। जब राजीव गांधी जी ने बलिदानी दी इस देश के लिए, हंसते हंसते न्योछावर हो गए, मौत ने भी आकर राजीव जी के पहले पांव को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया और फिर बम से उनको उड़ाया और देश की अखंडता के लिए वो कुर्बान हो गए। ये वो फोटो है, मैंने इंटरनेट से ही ली है, देश के लोग देख लिए। एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चूमता है। कम से कम राजनीति को हमारे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, ये वो नौजवान है जिसका नामांकरण स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सोनिया जी कर रही हैं जनेऊ धारण कर। और आदरणीय साथियों, ये वो नौजवान है जो अपनी बहन के हाथ पीले करते हुए, हमारे यहां जो संस्कृति है
वो जनेऊ धारण किए हुए। मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से एक आग्रह जरूर है, राजनीति को पाताल से भी निम्न स्तर पर मत गिराइए। समाज की शुचिता और भारत की सभ्यता को सत्ता की हवस में और सत्ता के अहंकार में इतना भी मत गिराइए कि न केवल 6.5 करोड़ गुजराती बल्कि 130 करोड़ देशवासी आपसे गलानी करना शुरू कर दे। राजनीति में विरोध रहेगा, हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते आए हैं और करेंगे, परंतु क्या मोदी जी और अमित शाह जी जिस भगवान सोमनाथ जी के मंदिर के ट्रस्टी हैं, क्या वहां पर इतना ओछा, इतना सस्ता और इतना घटिया षड्यंत्र वाजिब है, सही है? क्या सत्ता की प्रकाष्ठा में, सत्ता के अंधेपन में, सत्ता की हवस में और सत्ता के अहंकार में आप इतने गिर जाएंगे कि अब आप भगवान के रजिस्टर को भी फर्जीवाड़े से अलग अलग तरीके से पेश करने का प्रयास करेंगे? और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, हम मीडिया के साथियों का सम्मान करते हैं, लानत है उन सारे मीडिया के साथियों पर भी जो इस घटिया षड्यंत्र के अंदर बगैर पूरी बात को जांचे उलझ गए, जो मोहरा बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का, जो इस प्रकार की सस्ती और ओछी राजनीति में जाने और अनजाने से वो उसके अंदर बहक कर और उन्होंने बगैर जानकारी के स्टोरीज चलानी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को इस मन से हाथ जोड़कर हम आग्रह करेंगे, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, जनता फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक तरफ धन बल है, बाहुबल है, सत्ता बल है मोदी जी आपका, और दूसरी तरफ जन बल है 6.5 करोड़ गुजरातियों का, उनका प्यार और स्नेह कांग्रेस और राहुल गांधी जी के साथ है। आपकी इन गीदड़ भक्तियों से, आपके इन षड्यंत्रों से, आपकी इन साजिशों से, आपकी इन घटिया हरकतों से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। कृपया करके फर्जीवाड़ा बंद करिए और गुजरात से जुड़े मुद्दों का जवाब दीजिए। ये चुनाव पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये चुनाव चीन में भी नहीं हो रहा, ये चुनाव अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा, ये चुनाव गुजरात की गांधी और पटेल की पावन धरती पर हो रहा है, जो द्वारकाधीश जी की धरती है, जो सोमनाथ जी भगवान की धरती है, जिस धरती में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। भगवान के लिए कम से कम भगवान का दुरुपयोग करना तो बंद कर दीजिए, यही मेरा मीडिया के साथियों से आग्रह है और यही भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय भाजपा के अध्यक्ष, क्योंकि जो सोमनाथ जी के साथ अमानत में खयालत करेगा, प्रभु फिर उनको कभी माफ नहीं करते, ये अवश्य याद रखिएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत।